आज हम स्टार्ट करेंगे हायर परचेस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं किराया क्रय पद्धति। ठीक है, ये जो है सब बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए हर स्ट्रीम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फिर हम हायर परचेस सिस्टम से किराया क्रय पद्धति का। ठीक है, पहले हम समझते हैं हायर का मतलब क्या होता है। हायर में का मतलब होता है कोई चीज़ किराए पर लेना या कोई चीज़ किराए पर देना, और परचेस का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, हायर का मतलब हो गया कोई चीज़ किराए पर लेना या कोई चीज़ खरीदना, और परचेस का मतलब खरीदना। ठीक है, तो अगर कहता है इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू बाई एन एसेट्स, अगर किसी पर्सन को एक एसेट्स खरीदना, जैसे उसे मशीन खरीदनी है। क्यों खरीदनी? क्योंकि उसे नीड है, उसे यूज़ है उसकी, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है, नॉट एनफ मनी। ठीक, तो क्या होता उस मशीन के लिए? ठीक, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं तो वो क्या करता है, कुछ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। ठीक है, कुछ इंस्टॉलमेंट में पे करता है। जो परचेस जो करेगा उसको हम बोलते हैं हायर परचेजर, जो सेल करता है उसको हम बोलते हैं हायर वेंडर। तो यहाँ हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, किसको लेकर, एसेट्स को लेकर। ठीक है, अब जब बात ये होगी कि कुछ हम इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट करेंगे, तो वो डाउन पेमेंट जो करता है मंथली करता है, क्वार्टरली करता है, सिक्स मंथली या ईयरली करता है, जिस विद इन अ पीरियड। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि हायर परचेस सिस्टम का मतलब क्या होता है, कि जब भी हम कोई एसेट्स किराए की तरह यूज़ करते हैं और उसकी हर महीने तीन मंथली या छः महीने में पेमेंट करते हैं, और पेमेंट पूरा हो जाने पर वह एसेट्स हमारी हो जाती है, तो वो क्या होता है, हायर परचेस सिस्टम। जैसे अगर मान लीजिएगा कोई पर्सन कोई एसेट्स खरीदना चाहता है, ठीक है, उसे वो क्या ज़रूरत है, पर उसके पास क्या है, उतने पैसे नहीं है। ठीक है, तो वो उसको तो इसके लिए वो क्या करे, कुछ पैसों का क्या डाउन पेमेंट करता है, और डाउन पेमेंट करते हैं फिर उस एसेट्स को उसको यूज़ करने के लिए दे दी जाती है, और फिर उसका जो बाकी का पेमेंट रहता है वो इंस्टॉलमेंट किस्तों में वो करता है। ठीक है, इससे उसका भी काम चलता है और पैसे भी धीरे धीरे क्या है, देता रहता है। तो ये जो मेथड होता है ये हायर परचेस सिस्टम होता है। ठीक है, हायर परचेस सिस्टम में हमें क्या पता चला कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी एसेट्स को परचेस कर रहा है और दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होने के बाद वह क्या करेगा, उस एसेट्स की प्राइस को किस्तों यानी इंस्टॉलमेंट में जमा करता है। ठीक, लौटाने का वादा करता है, किस में, मंथली क्वार्टरली सिक्स मंथली या ईयरली में। ठीक है, ये करता है, और क्या करता है, जैसे उसने छः इंस्टॉलमेंट में पे करना, एक दो तीन चार। ठीक है, उसे क्या करना है, चार इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। उसने क्या किया, पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, ठीक, पांचवा छठवा नहीं किया, मतलब जब तक कि वह उसका लास्ट पेमेंट। अब क्या हुआ कि उसने पहला दूसरा तीसरा चौथा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, कि जब तक कि वह उसका लास्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दे, और जब वो लास्ट पेमेंट कर देता है तो फिर उस एसेट्स की ऑनरशिप उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और इससे पहले के सारे पेमेंट जो वो करता है एक तरीके से वो क्या रहता है, किराए की तरह माने जाते हैं, जिसको हम हायर चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पूरी प्रक्रिया को, प्रोसीजर को, हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम दूसरा, एक डिफिनेशन देख लेते हैं। हायर परचेस सिस्टम, अंडर द हायर परचेस सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ पर्सन हु एग्रीज टू पे द ऑनर बाई इक्वल पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट। पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट ने बताया थ्री मंथली, मंथली, क्वार्टरली, जो भी है। सच इंस्टॉलमेंट टू बी ट्रीडेड ऑन अ हायर ऑफ दोज गुड्स अंटिल अ सर्टन फिक्स्ड अमाउंट हैज बीन पेड व्हेन दीज गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द हायर। ठीक है, तो ये होता है आपका किराया क्रय पद्धति। अब आते हैं हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, मीन्स किस्त भुगतान पद्धति क्या होता है।
किस्त भुगतान पद्धति में क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है बता रहा है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो लोगों के बीच ठीक, एक व्यक्ति जो किसी एसेट्स को परचेस करता है, दूसरा उस एसेट्स को सेल करता है। इसमें क्या है, एक खरीद रहा है, ठीक है, एक परचेजर है और एक क्या है, दूसरा सेलर है। तो एक परचेजर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है किसको, एसेट्स को लेके, ठीक। तो सीधे जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी एसेट्स को परचेस करता है और दूसरा उस एसेट्स को सेल करता है, तो इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, मीन्स एक समझौता होता है, ठीक है। एक समझौता होता है, जो पर्सन उस एसेट्स को सेल कर रहा है वह सेलिंग करते वक्त उस एसेट्स की ऑनरशिप परचेस करने वाले व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। उस एसेट्स की ऑनरशिप परचेस करने वाले व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और क्या होता है, वह एसेट्स उस परचेस करने वाले व्यक्ति के नाम हो जाता है, ठीक है। किसके नाम हो जाता है, परचेस करने वाले व्यक्ति का नाम हो जाता, और उस एसेट्स को जो भी प्राइस होती है वो उसको एक साथ पे नहीं करना होता है। जो उसको क्या करना रहता है, उसको एक साथ पे नहीं करना होता है, वह उसे इंस्टॉलमेंट में करता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में पे करता है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल भी हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि उस एसेट्स का जो इंटरेस्ट भी शामिल हो जाता है और फिर इंस्टॉलमेंट के अलावा भी अलग अलग से पे किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या है कि एक एसेट्स को खरीद रहा, दूसरा बेच रहा, तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। और क्या होता है कि अगर एसेट्स को परचेस करने वाला व्यक्ति किसी वजह से इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाता है, तो इस सिचुएशन में सेलर उस एसेट्स को वापस नहीं ले सकता। हायर परचेस सिस्टम में क्या है कि वो वापस ले सकता था, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वो उसको वापस नहीं ले सकता, ठीक है। और क्या होता है कि बाकी के जितने भी इंस्टॉलमेंट परचेजर ने नहीं पे किए हैं, उसके लिए ये दावा होता है कि सेलर और परचेजर की ये सारी कंडीशन इसके एग्रीमेंट में दी रहती है। ये होता है आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आते हैं डिफिनेशन देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अंडर एन एग्रीमेंट टू परचेजर टू पे एंड पे बाय इंस्टॉलमेंट द गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द परचेजर एंड इमीडिएटली व्हेन द रिसीव द डिलीवरी ऑफ द सेम, जो हमने बताया, ठीक है। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में। बेसिस और डिफरेंसेस, हायर परचेज, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर, वो हायर करता है, ठीक है। ये क्या होता है, वो सेल करता है। किस कैसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सेल का, जो मैंने पहले बताया। दूसरा है ऑनरशिप, इट इज़ ट्रांसफर्ड बाई सेलर टू बाई ऑनली आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, वो तभी ट्रांसफर होगा जब वो सारे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा। इट इज़ ट्रांसफर्ड बाई सेलर टू बायर इमीडिएटली ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तीसरा है रिपोजेशन, ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट बाई द बायर, सेलर कैन रिपोजेस द गुड्स, वो ले लेगा। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट बाई द बायर, सेलर कैन नॉट रिपोजेस द गुड्स बट सेलर कैन फाइल अ सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस। तो समझ में आ गया हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम क्या होता है। ओके, थैंक यू।